सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। उत्तरी भारत के कई सूबों में हड़ वर्गे हालात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उच्च पद्धरी बैठक। बैठक में मीह नाल पैदा हुए हालात की की समीक्षा। पंजाब विच मीह ने मचाई तबाही। मुख्य सकत्तर अनुराग वर्मा वालों प्रबंधकी सकत्तर जिला सिविल ते पुलिस प्रशासन नाल बैठक। मुख्य सकत्तर ने लगातार मीह कारण पैदा हुई स्थिति का लिया जायजा। पंजाब पुलिस ने एनडीआरएफ एसडीआरएफ ते सेना नाल मिलकर हड़ प्रभावित जिले में बचाव कार्य किए तेज। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा पंजाब पुलिस ने हड़ां नाल पैदा होने वाली किसी भी स्थिति नाल निपटने लई किए पुख्ता प्रबंध। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज मंत्रियों ते सीनियर अधिकारी नाल भारत के वख-वख हिस्सों विच भारी मीह कारण पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री दफ्तर यानी कि पीएमओ ने ट्वीट करके इस गल की जानकारी दी। पीएमओ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीनियर मंत्रियों ते अधिकारी नाल गल की है। भारत के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा बारिश के मद्देनज़र पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की है। स्थानक प्रशासन डीआरएफ और एसडीआरएफ टीमां प्रभावित इलाकों में लोगों की सुरक्षा यकीनी बनाने लिए काम कर रही ने। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ऐतवार को भारी मीह कारण हड़ां वर्गे हालात बन गए। पिछले 40 घंटे तो वध समय तो पंजाब समेत उत्तरी भारत में पै रहे भारी मीह ने भारी तबाही मचाई है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी और जम्मू कश्मीर में मीह और ढिगण डिगण कारण तकरीबन 21 व्यक्तियों की हुण तक मौत हो चुकी है। हड़ वर्गे हालात बनने कारण पंजाब समेत होरना सूबों में अलर्ट का ऐलान किया गया। पानी लोगों के घर अंदर वड़ गया। कई थावों पर आपत प्रबंधन टीमों को सदना पे। पंजाब और चंडीगढ़ के स्कूलों में 13 जुलाई तक छुट्टियां का ऐलान किया गया। सूबे भर के पहाड़ी स्थानों उत्ते लगातार पै रही भारी बारिश कारण स्थिति का जायजा लैण ते सूबे में राहत कार्यों को तेज करने लई मुख्य सकत्तर अनुराग वर्मा वालों संबंधित विभागों के प्रबंधकी सकत्तरां अते होर अधिकारियों नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही समूह जिले के डिप्टी कमिश्नर अते एसएसपी जी नाल उच्च पद्धरी मीटिंग की गई। मीटिंग में मुख्यमंत्री के विशेष मुख्य सकत्तर ए वेणु प्रसाद, डीजीपी गौरव यादव, सेना एनडीआरएफ के नुमाइंदे भी मौजूद रहे। मुख्य सकत्तर वर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों सूबे में पैदा हुई स्थिति की निगरानी करने ते हड़ां दे संभावी खतरे नाल जिटण लई दिते निर्देशों उत्ते चलदे आ फील्ड में जिलों का सिविल और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी नाल तैनात है, जिन्हां विच डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीपीओ, पटवारी समेत संबंधित विभागों के फील्ड अधिकारी शामिल ने। उन्हें कहा कि फील्ड अधिकारी लोग नुमाइंदियां ते आम लोगों नाल तालमेल बिठाते हुए निरंतर राबता बना के रखन। उन्होंने दस्सिया कि मौजूदा स्थिति नाल जिठण लई फंडां दी कोई घट नहीं है और सूबे के आफतन राहत फंड विचों 33.50 करोड़ रुपए तुरंत जारी किए गए हैं। सूबे में लगातार तीजे दिन हो रही बारिश को देखदिया पंजाब पुलिस ने नैशनल डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स टीमों मिलकर सूबे के हड़ प्रभावित जिलों में बचाव और पानी की निकासी संबंधी कार्यों में तेजी लिंदी है। यह जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब गौरव यादव ने दी। उन्होंने दसिया कि सूबे के सब तो वध प्रभावित जिलों में एसएस नगर, रूपनगर, फतेहगढ़ साहब, जलंधर, देहाती, पटियाला शामिल ने। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि सूबे के सब तो वध प्रभावित जिलों में पे पहाड़ों को पूरन लई पानी की निकासी के बचाव कार्यों लई एनडीआरएफ दी 15 टीमों और एसडीआरएफ दी 2 यूनिटा तैनात की गई ने। इस अलावा रूपनगर, पटियाला, फतेहगढ़ साहब, फिरोजपुर, जलंधर, एसबीएस नगर, एसएएस नगर और पठानकोट समेत कई जिलों में सिविल प्रशासन की मदद लई सेना के 12 कालम बुलाए गए हैं। उन्हें कहा कि साड़ियां टीमां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना नाल मिलकर लोगों की जान माल की राखी लई बेहद चुनौतीपूर्ण हालतों में 24 घंटे काम कर रही ने। चंडीगढ़ प्रशासन ने आम लोगों को जानकारी दी है कि लगातार हो रही बारिश और पानी का पद्धर वधन कारण सुखना झील रेगुलेटरी एंड का दूजा फ्लड गेट हुण खोल दिता गया है। शहर वासियों सुखना चौं और नदी तो दूर रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि मौजूदा पानी का बहाव बहुत तेज हो रहा है। इस दे नाल ही दस दिए कि चंडीगढ़ में भारी मीह का अलर्ट जारी किया गया है तो मालवे के 9 जिलों में रैड अलर्ट जारी किया गया। दुआबे के सारे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पटियाला, मोहाली जबरदस्त मीह के आसार दसे जा रहे हैं। दुआबे के जलंधर, कपूरथला, होशियारपुर, नवांशहर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्थे ही मालवे के संगरूर, मलेरकोटला, फतेहगढ़ साहब, लुधियाना, बरनला,
मानसा संगरूर रोपड़ पटियाला मोहाली में रेड अलर्ट जारी किया गया। भाखड़ा डैम तो सतलुज दरिया में छड़े गए पानी तो बाद सतलुज दरिया नकोनक पानी नाल भरिया होया है। दस दिए कि सतलुज दरिया के नेड़े वसे दस पिंडां विच हड़ जिहे हालात बन गए ने। हलका विधायिका बीबी सरबजीत कौर माणुके डीसी सुरभी मलिक ने एडीसी अमित सरीन एसडीएम मनजीत कौर मौके पर पहुँच के हालात का जायजा लिया। इस मौके विधायिका ने कहा कि सरकार दुख की घड़ी में लोगों के नाल खड़ी है और हर संभव मदद की जा रही है। इस तरह डीसी सुरभी मलिक ने पत्रकारों नाल गलबात की तो कहा कि हड़ प्रभावित खेतरां विच स्थिति उत्ते तिखी नज़र रखने लई स्थानक प्रशासन अधिकारियों दीआं ड्यूटियां लगाईआं गईआं ने। डीसी मैडम ने कल तो इस चीज़ के लगातार रेड अलर्ट लेके दिशा निर्देश दिए। एडीसी सर एसडीएम सर उन्होंने सारा डिपार्टमेंट कल इतने 11 सेंटर बना दिए जिन्हों से हर तरह की समगरी एडवांस पहुंचनी शुरू हो गई। जिहड़े अपने सेंटर बागियां वाल तरकोटली जां इधर अपने शेरेवाल का पॉइंट आ जिहड़ा कन्या सैनी पॉइंट आ मतेपुरे तो अगे निकल के अपना पॉइंट टुटते हैं उत्थे खुद एसडीएम साहब सवेर तो लैके राहत समझी आप खड़े होके क्या देखो कुदरती आफत हर तरह ना मदद करांगे पर लोगों को एक अपील है भाई इस साल समय आप अपनी भी जान बचाउणी है अपने नालदियां नूं भी बचाउणी है। प्रशासन का साथ दो एक दूजे का हाथ फड़ के रखो आप इस तो जल्दी बाहर निकल जाए। सारी सामग्री साढ़े कोल हैगी मशीन हैगी सैंड बैग्स है फूड रिलीफ मटीरियल्स एरिया सारा कुछ साडा प्रबंध हैगा कोई डरन की लोड़ नहीं है। फ्लड कंट्रोल रूम के नंबर असं फ्लैश कर देते हैं किसी को कोई दिक्कत आती है फ्लड कंट्रोल रूम के नोट कराओ अपना फोन नंबर नोट कराओ एसडीएम साहब को फोन करो मेरा नंबर काफ़ी लोगों को हैगा मैं बहुत फोन आते हैं और नाल दे नाल रिजॉल्व हो रहे हैं इशूज एंड होपफुली अगले दो तीन दिन के सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जानी है। हाल की घड़ी तुम प्लीज़ साडा सहयोग करो तो डरन की कोई भारी मीह कारण सतलुज दरिया में पानी के ज्यादा आने नाल दरिया के नाल लगते पिंडां विच फसलों के हुए नुकसान का जायजा लैण ते पानी की निर्विघन निकासी के मद्देनज़र जीरा तो विधायक नरेश कटारिया ते फिरोजपुर के डीसी राजेश धीमान ने हरीके हैडवर्क्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दरिया के नाल लगते पिंडां का दौरा करके मौजूदा स्थिति ते फसल के हुए नुकसान का जायजा लिया। इस मौके उन्होंने नाल एसएसपी भुपिंदर सिंह सिद्धू तो इलावा बीएसएफ ड्रेनेज विभाग माल विभाग खेतीबाड़ी पशु पालन विभाग के अधिकारी हाजिर सन। विधायक जीरा नरेश कटारी ने कहा है कि इलाके में पानी आने नाल फसलों का खराबा होना कुदरती करोपी है। उन्हें कहा कि इस करोपी को रोकने लिए हलका वासियों वालों प्रशासन को सहयोग दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि दरिया सतलुज नाल लगते नीवे इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित थावां उत्ते जाना चाहिए। हालात तो इस तरह जी वे कल भी मैं इधर कट्टा बादशाह दीने के सभरा सारे साइड कटी नाल तहसीलदार साहब सीगे होर भी अफसर साहबान जो एक्सएम साहब साढ़े ट्रेन के जेई साहब सारे नाल ही सीगे ते जिथे जिथे भी सानू कुछ पब्लिक ने की किया पिंडां दे विच पुलियां बंद कीती होईयां सीगियां जो आपां जिन्हां नूं पूरे भी कह दिंदे आ उन्हां अगे इन्हां लोकां ने मिट्टी दे भर के गट्टू ला के उत्ते इट्टां लाईयां होईयां सी उह कल असीं खलाए आ उहदे नाल काफ़ी फर्क पिया वा जिहड़ा कि साढ़े वेखदे वेखदे ही झोना दिसण लग पिया सीगा। इस तरह करके मैं असीं यही पब्लिक नूं बेनती आ साडे वल्लों भी भाई इहो जिहे कम ना करो जिथे भी तुहाडे कोई खाले पहलां हैगे सीगे उहनां नूं चलण दिओ जिहड़े कोई ढाए आ उहनां नूं बना देना चाहीदा वा ते प्रशासन का साथ देना चाहीदा तां जो इह किसी की एक बंदे दे नहीं इह ते कोई किसी की गलती नाल ही इह ते कुदरत दी करोपी आ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਫਤ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ
दो तीन बारी चार बारी हो चुका वा पानी का कोई पता नहीं केड़े वेले पिछो किन्ना पानी आ जाना वा हर एक हेड ते एसएसपी साहब एमएलए साहब असीं सारे जिहड़े डिपार्टमेंट साडे अधिकारी उरे आए ने इहदे लई जो क्योंकि साडा जिहड़ा फिरोजपुर हैगा सब तो पहला पानी जिहड़ा पूरे सूबे का आ रहा हैगा ब्यास का सतलुज का वो उस थान से आके हर एक हेड से सानूं इफेक्ट करता है इसलिए कई दिन तो तैयारी लगे हुए हैं ड्रेनेज डिपार्टमेंट भी प्रशासन वालों भी सारे मुकम्मल इंतजाम किए जा चुके ने थले रिलीफ कैंप जो बना रहे हैं एवैक्यूएशन प्लान भी बनया हुआ है तो रात भी ज्वाइंट ऑपरेशन सिविल पुलिस के आर्मी ने करके असी रेस्क्यू किए हैं साड़ी जी पहला तैयारी की उसके कारण सानू पहले किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। पंजाब के उपरले हिस्सों में पै रही भारी बारिश के कारण सतलुज दरिया में आ रहा बड़ी मात्रा में पानी अंतम रूप में हुसैनीवाला हेडवर्कस राही फाजिलका जिले के खेतरों में पुजेगा इसलिए गेते प्रबंधा तहत फाजिलका तो विधायक नरेंद्रपाल सिंह सभना डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सेनू दुग्गल एस एस पी अवनीत कौर सिद्धू ने सरहदी पिंडों के लोगों महात्म नगर में बैठक करके उन्होंने राहत कैंपों में जाने लिए कहा तो नाल ही उन्होंने सतलुज के बन्ना अंतरराष्ट्रीय सरहद के नाल संभावित हड़ प्रबंधा की समीक्षा लिए भी दौरा किया। इस मौके डिप्टी कमिश्नर ने दसा कि हुसैनीवाला हेडवर्कस तो 55,000 क्यूसिक पानी छड़ा गया अते फाजिलका जिले में पहुंचना शुरू हो गया पर वड्डा खतरा वो पानी बनेगा जो रोपड़ हेडवर्कस तो आ रहा है हरीके अते हुसैनीवाला होंदे हुए मंगलवार तक फाजिलका विच पहुंचेगा इसलिए उन्होंने सतलुज के लहिंदे वाले पासे पिंडां दे लोकां नूं सुरक्षित थावां उत्ते बनाए गए राहत कैंपां विच जाण दी अपील की है। इस मौके विधायक नरेंद्रपाल सिंह सभना ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार वालों राहत कैंपां विच हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। जदों पानी वो छड़ रहे अज रात तक या कल सवेर तक पानी आने की संभावना है तो असी वो प्री अरेजमेंट ही करन आए हैं कि किन्ने पिंडां इफेक्ट करेगा पानी तो जे उत्थे हैबिटेशन है लोग रह रहे हैं तो असं उन्होंने वही अनाउंसमेंट करके ही कहेंगे कि तुम राहत केंद्र शिफ्ट कर दो टिल द टाइम है सारा ठीक नॉर्मलाइज हो जाए। सूबे भर में हो रही बरसात के नाल जिथे कई शहर के कस्बों में हड़ां वर्गे हालात पैदा हो गए हैं उत्थे जेकर नाभा ब्लॉक के पिंड भोड़े सैफन की गल की जाए तो सैफन में सरहद नहर से सिसवा नदी का पानी आने दर्जना पिंडों में हड़ वर्गे हालात पैदा हो सकते हैं। वाधे पानी के पद्धर वेखते हुए पिंडों में हुणे तो ही अनाउंसमेंटा शुरू की गई ने मौके की स्थिति का जायजा लैण लई नाभा तो विधायक गुरदेव सिंह देवमान जिला योजना बोर्ड पटियाला के चेयरमैन जसवीर सिंह जस्सी सुईयांवाला वख-वख महकमें के प्रशासनिक अधिकारियों वालों मौके का जायजा लिया गया। इस मौके विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने कहा कि स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है जेकर पिछों होर पानी आता तो हड़ वर्गी स्थिति फिर पैदा हो सकती है। पिंड भोड़े सैफन से खड़ा जी जी कि मेन ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जितों उपरों पानी सारा आता जी इतने आके डिवाइड होंगे और इतने हाल की घड़ी सिचुएशन जी कंट्रोल के देख रहे हो सामने पानी चल रहा और हले एक गेट खोलिया तीन गेट ने जी और उपरों पानी काफ़ी आ रहा उम्मीद है कि पानी जरा कंट्रोल ही रहे तीन दो बजे तक पानी होर वधन की उम्मीद है। इरीगेशन डिपार्टमेंट नहरी विभाग जिन्ना सारा इतने विभाग साढ़े नाल है जी असी प्रॉपर ड्यूटियां लाइया हुई ने पिंडां दे विच सरपंचां नूं पिंडां दे विच पंचायत सैकटरी ड्यूटियां लातियां ने जी और एस डी एम नाभा तरसीम चंद जी मेरे नाल ने एस डी एम डी एस पी नाभा दविंदर अत्री जी मेरे नाल इन्हां दा सारा मला जिहड़ा जी ताकि कई बार पैनिक सिचुएशन बन जाती है पिंडां दे विच कि अगे असीं पानी खोलण नहीं देना भी साडी कदे फसल तबाह ना हो जाए तो उस चीज़ नूं कंट्रोल करन वास्ते असीं दस्सिया कि ये कुदरती आफत है और इहनूं कंट्रोल करन वास्ते सब दा सहयोग चाहीदा ते हाल दी कड़ी सिचुएशन कंट्रोल दे विच है किसी भी अणसुखावी घटना का जिहड़ा प्रॉपर तरीके नाल प्रबंध किया जा सके और जिहड़ा बचाव किया जा सके उहदे लई असीं ड्यूटियां ला रहे हैं जी और जे सी बी मशीनां का प्रबंध और जिहड़े साडे वलंटियर ने जी साडे सर्कल इंचार्ज ने पिंडां दे विच किसान भरा ने और पिंडां दे विच अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं गुरु घरां दे विच कि अलर्ट रहो किते भी कोई समस्या आउंदी तां सारे इकट्ठे होकर उहदा जिहड़ा जी उहदा आपां प्रबंध करिए। पटियाला तो संसद मैंबर परनीत कौर ने लगातार मीह कारण होए नुकसान का जायजा लैण लई पटियाला दे हलका सनौर दे पिंडां देवीगढ़ खराबगढ़ बीबीपुर अदालती वाला मगर साहब समेत होरना पिंडां दा दौरा किया। उन्होंने सारे लोगों नूं प्रशासन का सहयोग करने की अपील की क्योंकि हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। अज कई दिनों की बारिश के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान दिख रहा है सारे हल्के दे विच। मैं सवेर दी पहले देवीगढ़ सर्कल दे विच सनौर हल्के दे विच जिथे ज़्यादा नुकसान होया
हरियाणे तो पानी आया है जिदे नाल ज्यादा नुकसान हो गया। उस दे बाद कनौर हल्के दे विच जिथे SYL कनाल भी फट गई उहदा भी नुकसान होया। बाकी घग्गर दा पानी आंदा ही है और नुकसान तां पूरे हल्के च जीरकपुर तो लैके बहुत ज्यादा पूरी जिथे जिथे घग्गर जांदी है उत्थे तक होया। ये तकरीबन 30-40 साल के बाद इन्ना ज़्यादा नुकसान होया है। और दुख होंदा देख के लोगों के घर च पानी गया है। और सब तो ज़्यादा जेड़ा नुकसान होया है कि जिथे जीरियां ला चुके थे बंदे वो बिल्कुल ही खत्म हो गए ने खेत। कोई बहुत नुकसान होया और मेरी सरकार कनी ये मैं अपील करती हैं कि इन्हां लोकां दा जिहड़ा घट तो घट 30,000 पर एकर दा तुसीं इन्हां दा मुआवजा देना। पटियाला की डिप्टी कमिश्नर साक्षी सानी ने अर्बन स्टेट पटियाला में दाखिल हुए बरसाती पानी का जायजा लिया। इस मौके पर लोगों को अपील की थी कि वह किसी भी तरह की घबराहट में ना आउण क्योंकि जिला प्रशासन पूरी तरह चौकसी के नाल लोगों के नाल खड़ा है और हर संभव सहायता करते हुए बचाव कार्य जारी रख रहा है। उन्होंने कहा कि अर्बन स्टेट विखे हुण पानी लगातार घट रहा है और प्रशासन ने इस पानी की निकासी लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। एक्चुअली इतने मी का पानी है जोड़ा कट्ठा हो गया है एविडेंटली बट वो पद्धर भी डाउन जा रहा है। यदि स्टॉर्म वाटर जी सो बेसिकली जो तक नदी का पानी थोड़ा जहा होर घट नहीं जाता इतने थोड़ा जहा स्लो है घटना बट डाउन तो जा ही रहा है। लोगों को रिलीफ अभी जल्द तो जल्द दवा देंगे। प्रशासन ने तो पुख्ता प्रबंध किए थे बट एज यू कैन सी जो नदी की गल कर रहे हो ना वो पिछले जिन्ना भी पानी हैगा है वो जिदा हिमाचल मीह पै गया वो सारा कैचमेंट एरिया नदी का कोई पाड़ नहीं आया जा कोई वो बन नहीं टूटिया वह नदी ओवर टॉपल कर रही है। जिदा अपना SYL भी चलता नहीं है बट SYL च हूँ जिदा पानी वग रहा है तुम वो लैवल देखो वो हाइट देखो वेलोसिटी देखो वो पानी एक्चुअली सारा मीह का पानी है वो पिछों आ रहा है। सो वी आर डीलिंग विद एबनॉर्मली हाई रेनफॉल जो सिर्फ इतने नहीं हुई है पूरे पंजाब च हिमाचल च हुई है जिस करके इतने नॉट सिर्फ पंजाब अपने पटियाले बट तुम दिस ही रहा है मोहाली च फतेहगढ़ च संगरूर च हर थान से यह जरा शीट फ्लो नाल असं डील कर रहे। मैडम लोग बड़े पैनिक हो जाते हैं इस तरीके का जो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता उन्होंने लोगों को कहोगे तुम जो इस तरीके पैनिक हो जाते हैं। सो मैं यही रिक्वेस्ट करा कि पैनिक होने की लड़ नहीं है जिदा सानू जो लगता है तो असं पहला ही अलर्ट एडवांस के चलते हैं जिदा वड्डी नदी का सिचुएशन तो अज आई असं कल ही अलर्ट उदा जारी करके लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया। सो जिथे असी बट ये जरूर है जिथे असी अलर्ट दिने उत्थे असी एक्सपैक्ट करते हैं कि तुसी कोऑपरेट उस टाइम पर कर लो तो होर सौखा रहता है होर बेहतर रहता है बिकॉज उस तो बाद नहीं तो जो पानी का लेवल बढ़ जाता है तो फिर सानू बोट्स राही रेस्क्यू करन च थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। पंजाब के सबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने श्री चमकौर साहब विखे पानी में डुबी बंगाला बस्ती का जायजा लिया। इस मौके ना लोगों की मुश्किलें सुनिया पानी की निकासी करवाने की गल कही है। उन्हें कहा कि कुदरती आफत मौके सारे रल मिल के एक दूजे का साथ देना चाहिए। कई दिनों तो पै रहे भारी मीह कारण हड़ वर्गी स्थिति में वेखद्या सिख कौम की प्रतिनिधि संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पीड़ितों की मदद लिए अगे आई है। श्रोमणी कमेटी वालों हड़ पीड़ितों लिए रिहायश लंगर और होर लोड़ीदियां वस्तुआं मुहैया करवाउण दे प्रबंध किए गए हैं। वख-वख इतिहासक गुरद्वारा साहिबान विखे सरावां अंदर हड़ प्रभावित लोगों नूं मुफ्त में कमरे मुहैया करवाउण दे नाल नाल प्रभावित इलाकों में लंगर और होर वस्तुआं की व्यवस्था की गई है। फतेहगढ़ साहब विखे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आगू अवतार सिंह रिया ने कहा कि मौजूदा समय भी हड़ प्रभावित लोगों नूं राहत सेवावां देने इतिहासक गुरद्वारा साहिबान के प्रबंधकों नूं अपील की गई है। उन्होंने कहा कि वख-वख जिलों में 25 तो वध गुरद्वारा साहिबान के अंदर केंद्र स्थापित किए गए हैं। दस दिए कि फतेहगढ़ साहब के नाल लगता इलाका ज्योति स्वरूप चौंक सरहिंद का एरिया पूरी तरह बरसाती पानी की लपेट में आ चुका है। फतेहगढ़ साहब में श्रोमणी कमेटी वालों हड़ प्रभावित लोगों की मदद का सिलसिला जारी है। इस तहत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों के एक वफद को रेस्क्यू किया गया तो उन्होंने लंगर का प्रबंध किया गया। इस उपरंत विद्यार्थियों की घर वापसी लिए ट्रैक्टर ट्राली की मदद नाल उन्होंने रेलवे स्टेशन उत्ते सुरक्षित पहुँचाया गया।
बारिश कारण प्रभावित हुए लोगों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों विशेष रियायत पहुँचाई जा रही हैं, भावें लंगरों के प्रबंधों लेके होवे भावें जो होर सहूलत हो जिस तरह लोगों अपने अपने टिकाने पर पहुँचाने भी विशेष यतन किए जा रहे हैं। साढ़े मौजूद ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जूनियर मीत प्रधान जथेदार अवतार सिंह जी रिया साहब। रिया साहब होर की प्रबंध किए जा रहे हैं जो लोग हड़ प्रभावित हेठ आए हैं? वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। जिहड़ी संगत अज बड़े ही हड़ां तो प्रभावित ने, चाहे वह यूनिवर्सिटी के मुलाजम ने, चाहे इंजीनियर कॉलेज के मुलाजम ने, इंजीनियर कॉलेज के बच्चे ने, उन्होंने ये हड़ां तो पीड़ित ने और उन्होंने रहायशी का प्रबंध, लंगर प्रबंध सारा जिहड़ा साडा स्टाफ है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये किया जा रहा है। मानयोग प्रधान साहब सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी जिन्होंने बड़े ही सुचजे ढंग के नाल और दिशा निर्देश दिए ने, और उन्होंने कहना है कि कोई भी इंसान अज इस तो प्रभावित ना हो पूरी मदद की जाए और ये पूरा स्टाफ है जिहड़ा गुरद्वारा साहब का कि असी सारे सवेर दे लगे हुए हैं, सरदार जगदीप वो भी साढ़े नाल लगे हुए ने। बीते दिन जम्मू कश्मीर के पुंछ सैक्टर आए डोगरा नाले में आए हड़ की लपेट में आ के नाला क्रॉस करद शहीदी का जाम पीण वाले गढ़शंकर के बीते इलाके के पिंड खुरालगढ़ के नौजवान तेलू राम 16 RR सिख रेजीमेंट का सैकड़े लोगों की हाजिरी में नमकखां ते फौजी सन्मान अंतिम संस्कार किया गया। खुरालगढ़ के शमशान घाट में शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। चीखा अग्नि शहीद के छोटे भरा करण ने दिते। इस तो पहला फुलों सजाई फौज की गड्डी में बक्से में बंद शहीद की मृतक देह उनके जद्दी घर ले जाया गया तो माहौल भावुक हो गया। इस मौके हाजिर वड्डी गिणती में नौजवानों ने शहीद तेलू राम अमर रहे दे नारे लगाए। इस मौके विधायक जयकृष्ण सिंह रोड़ी, लव कुमार गोल्डी, सबका विधायक दलजीत सिंह खख, DSP गढ़शंकर ते होर अधिकारी मौजूद सन। अज पूरा हलका गढ़शंकर बीते रिया पिंड खुरालगढ़ साहब आप देख रहे हैं कि सारी अखा नाम है और साढ़े शहीद में श्रद्धांजलि देने लिए सारे इकट्ठे हुए और अज आसमान भी रेड़े हैं और क्योंकि 24-25 साल का नौजवान जिन्हें देश की तरक्की की खातर जरा अपना फर्ज निभाते हुए अपनी ड्यूटी निभाई और वो दौरान शहीद हुए और वो ही तरन तरन के लिए जो सूबेदार साहब से और उस शहीद को बचाते हुए उन्हें शहीदी हुए अब सारा हलका सारा पंजाब सारा हिमाचल शहीद। IGP पंजाब क्राइम गुरशरण सिंह संधू ने टांडा ते दसूहा विखे चल रही श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा का जायजा लैण लई पुलिस नाल मीटिंग कीती ते इलाके विच चल रहे श्रद्धालुओं के लंगर स्थानां ते आराम करन दी स्थिति का जायजा लिया। इस मौके दसूहा के DSP बलबीर सिंह, थाणा इंचार्ज बलविंदर सिंह ते होर पुलिस मुलाजम हाजिर सन। मीटिंग नूं संबोधन करदिआं संधू ने यात्रा नाल सीधे तौर उत्ते संबंधित जिला पुलिस यूनिटां दीआं लोड़ां नूं पूरा करने उपलब्ध साधनां दी वध तों वध वरतों करन दे निर्देश दित्ते ने। उन्हें कहा कि दुर्घटना रहित यात्रा को यकीनी बनाने लिए होर उपराले किए जाण। अज श्री अमरनाथ दे यात्रा जो चल रही है उस दे सुरक्षा प्रबंधा का जायजा लैन वास्ते शंभू तो लैके पठानकोट तक जो सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं उन्होंने समीक्षा और उन्होंने चैकिंग के वास्ते मैं शुरू किया और मैं देखा कि हर जगह से पंजाब पुलिस वालों पूरी मुस्तैदी और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और असं डे टू डे बेसिस से इन्हों मोनीटर भी कर रहे हैं और साड़ी कोशिश है कि यात्रियों की सुरक्षा को यकीनी बनाने वास्ते हर तरह के अच्छे पुख्ता प्रबंध किए जाए। रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक के चेयरपर्सन बीबी रणजीत कौर ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की जिस दौरान उन्होंने कहा कि बैंक उत्ते कुछ पाबंदियां लगिया ने जो RBI वालों लगाई गई ने तो इन्हों दूर करने की कोशिशें की जा रही ने। उन्हें कहा कि रामगढ़िया बैंक तो पाबंदियां जल्द ही खत्म होनगियां। डायरेक्शन लगी है बैंक के उपर उदो 5 करोड़ 37 लाख साढ़े को शेयर कैपिटल से लेकिन हूँ साढ़े को इस टाइम 12 करोड़ 65 लाख 57 हज़ार की शेयर कैपिटल है मीनस साढ़े से 7 करोड़ 27 लाख 64 का फायदा होया है मतलब वेरियंस मतलब कि इन्ना वधी है कैपिटल वो साढ़ा जोड़ा प्रॉफिट है पिछले साल का साढ़ा प्रॉफिट 53 लाख से और इस साल का साढ़ा प्रॉफिट है 69.94 जी साड़ी बैलेंस शीट है ऑडिटिड है और इस बैलेंस शीट के जोड़े साढ़े एक मीटिंग हुई सी हिस्सा के घर उन्होंने सानू कहा कि कोहली साहब बहुत एक्सपर्ट सी है और RBI लिस्टिड भी है तुम उन्होंने को सारी अपनी बैलेंस शीट बनवाओ उन्होंने सारी बैलेंस शीट ऑडिट करके और A to Z सारिया चीज़ा बहुत अच्छे तरीके उन्होंने कीतिया सानू गाइड भी किया तो वो साढ़ा 69 लाख का प्रॉफिट से जबकि साडा प्रॉफिट बनता 1 करोड़ 12 लाख का
बट एक पिछली दो सालों तो एक लिटिगेशन का एक करोड़ तो उपर का हैड खड़ा किया हो पिछली मैनेजमेंट ने खड़ा करवाया हुआ सी लेकिन भी उस हैड न भी आप प्रोविजन बना के लैस किया और लुधियाना रविंदर कौर बत्रा जी भी बैठे हुए हैं जिन्होंने दो डेढ़ दो साल 9 करोड़ की रिकवरी भी की है और इस करके असी बहुत सारे कब्जे भी लेने प्रॉपर्टीज़ का पोजिशन लिया प्रॉपर्टीज़ बेचिया भी ने और इस टाइम पोजिशन साड़ी बहुत सॉलिड है लेकिन साड़ी एक कोई लीगल आ रही है कोई प्रॉब्लम जिदे वास्ते RBI दिल्ली वालों तो रिकमेंडेशन गई है साढ़े बैंक वास्ते पर बॉम्बे वाले ने उन्होंने थोड़ा रखे हुआ हाले हो सकता है कि वो कोई जो भी लीगल उन्होंने ओपीनियन आएगी उस तो बाद बैंक जल्दी खुल जाएगा हूँ जिस तरह अज साडा बैंक सानू पूरी उम्मीद से कि खुलेगा क्योंकि जिस तरीके का प्रॉफिट भी चल रहा है और शेयर कैपिटल भी वधी है साड़ी नैटवर्थ जिहड़ी कि माइनस सी माइनस 6.5 करोड़ सी वो इस टाइम 1.27 करोड़ है साड़ी नैटवर्थ जबकि पॉजिटिव है नैटवर्थ जबकि RBI का रूल है कि 1 लाख भी अगर पॉजिटिव नैटवर्थ आती है तो ऑटोमैटिकली बैंक को खुलना चाहिए तो बैंक जल्दी खुलेगा और कुछ लोग सानू जिवें कस्टमर ने कई बार वो कह देंगे बैंक को मर्ज कर लो असी बिल्कुल भी बैंक को मर्ज करना नहीं चाहते क्योंकि साढ़े बुजुर्गों की बिल्डिंग है असी अपनी बिल्डिंग नू बिल्कुल भी नहीं देना चाहते किसी नू और असी साड़ी पूरी टीम एफर्ट कर रही है और एंड तक असी एफर्ट करांगे और पूरी मेहनत करांगे और बहुत जल्दी ही एदे उपर असी सब नू मिलांगे जिथे तक साडा हो सकेगा और मैं सारे साडे कस्टमर्स ने भी साडा बहुत साथ दिता है असी यह कहांगे कि जिहड़े साडे शेयर कैपिटल वधाई है और कई सारे इहो जिहे मैंबर भी ने जिन्हां ने बहुत सारा पैसा दे के साडी शेयर कैपिटल मैं नाम लांगी तो बहुत सारे नाम ने तो उन्होंने साडी बहुत हैल्प की है और जिस तरह मैं जिहड़े सिख संस्थावां ने उन्हां तों कोलों भी हैल्प मंगी है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोल भी असीं गए सी साडे मेरे नाल सारे डायरैक्टर्स भी गए सी आपां उन्हां कोलों भी हैल्प मंगी उन्होंने जिन्नी कु होई हैल्प की मैं तो अपील करदी हाँ कि वो जिन्नी ज़्यादा हैल्प कर सकन करन क्योंकि रामगढ़िया बैंक खाली रामगढ़िया दे नहीं है सिखां दा बैंक है क्योंकि प्रॉपर बैंक चलता है BR Act के अंडर चलता है तो मेरी यह बेनती है कि जेड़े भी सिख ने साडी आवाज़ सुनन और शेयर कैपिटल अगर 20,000 दे मैंबर बनन तो बहुत अच्छा है जिन्नी ज़्यादा मैंबर बनेंगे उन्ना सानू ज़्यादा बेनीफिट होएगा क्योंकि जिन्नी शेयर कैपिटल वधेगी उन्नी साडी स्ट्रेंथ भी वधेगी और मैं अपने जिहड़े साडे मैंबर ने उन्होंने अपील करती हाँ कि थोड़ी जी पेशेंस और रखो मैं समझदी हाँ कि सब दी प्रॉब्लम है मैं समझ सकती हाँ क्योंकि हर किसी ने अपने पैसे रखे होंगे ने यूज़ वास्ते रखे होंगे ने तो इस करके उन्होंने अगर मेरी बेनती है कि थोड़ी पेशेंस रखन और असी सारी टीम लगे हुए हैं असं दिन रात एक किया हो क्योंकि इन्ना 7.5 करोड़ इकट्ठा करना भी कोई आसान काम नहीं है असं सारे ने दिन रात एक करके इकट्ठा किया है तो असी सारे मिल के जल्दी तो जल्दी बैंक नू असी खुलवावांगे और जितों तक हो सकेगा आप जिहड़े लिंक ने अगर मैं तो भी कहंगी जिन्ना जिन्ना के जिहड़े लिंक ने वो भी साढ़े को आन साढ़े नाल गल करन अगर उन्होंने लिंक आप यूज़ कर सकते आप जरूर करिए तो इन्ना कुछ कहंगी मैं कि साड़ी टीम ने बहुत एफर्ट किए हैं और साडे मैंबरस ने साडा बहुत साथ दिता है तो मैं फिर तो अपील करांगी जिहड़े साडियां सिख संस्थावां ने और जिन्हें भी मतलब संस्थावां बनिया हुई ने भावें रामगढ़ दी संस्थावां ने मैं उन्होंने भी कहंगी एक साल विच ते साड़ी बांह फड़ी नहीं किसी ने लेकिन जरूर बांह फड़न क्योंकि वो ऐ ना सोचन कि परसनल किसी ते ना जान रामगढ़िया बैंक कल्ला रणजीत कौर का नहीं है या सारे डायरैक्टर का नहीं है यह एक कौम की चीज़ है आपूं इनू बचाना चाहिए आप एक दूजे को क्रिटिसाइज़ करने की लड़ नहीं है तो आप सारे मिल के मैंबर बनीए और जिन्ने ज़्यादा मैंबर असी वधावे उन्नी जल्दी साडा बैंक खुलन के चांस बनने और असी पूरी एफर्ट न बैंक को बचावे रामगढ़ी कोऑपरेटिव बैंक जो पिछले साल जो रिस्ट्रिक्शन लगिया सी रिजर्व बैंक वालों वो बारे असी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हाँ ये पिछले साल रिस्ट्रिक्शन लगिया सी समय वास्ते 6 महीने वास्ते फिर एक्सटेंड हुई ये बेसिक कारण कुछ है वो आप जी अगे असी स्पष्ट करांगे क्योंकि बैंक के बारे कुछ अफवाह फैलाइया जा रही हैं जो कि निराधार हैं तो मैं हुणे जो बैंक की साड़ी लेटेस्ट पोजिशन है जो साड़ी बैलेंस शीट भी गई है पिछले साल की बैलेंस शीट भी गई है जो कि प्रॉफिट विच है वो मैं डिटेल विच आप जी अगे रखे जाएंगे मैं फिर भरावां नूं अपने भैन भरावां नूं एक गल विश्वास दिलाना चाहना बैंक विच उन्हां दा पैसा सुरक्षित पिया साढ़े कोल प्लस फंड है ने कोई इस तरह किसी नूं भी घबराने की जरूरत नहीं है सिर्फ RBI वालों रिस्ट्रिक्शन लगिया हैं वो असी कोशिश कर रहे हैं पूरी उन्होंने पैरामीटर्स असी काफ़ी पूरे करते हैं एक दो टैक्निकल अड़चना हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं भी जल्दी तो जल्दी ठीक हो जाए पटियाला विच भारी मींह कारण नीवे इलाकों में पानी भर गया तो पिंड दौलतपुर दी गलियां पानी नाल नकोनक भरियां नजर आईयां लोगों नूं आउण जाण विच काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पै रहा है तो घरां विच पानी बढ़न नाल लोग आपो अपना साजो समान संभल लगे ने
ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।